पिछली बार मैं जब आपसे मिला था और पिछली बार जब मैं उन्नाव आया था उस समय भी एक पीड़ित जिसके साथ गलत व्यवहार हुआ और वो न्याय के लिए लड़ते लड़ते उसने अपनी जान दे दी और उन्नाव की ये दूसरी घटना है जो बेटी अपने लिए न्याय मांग रही थी, सरकार उसे न्याय नहीं दे पाई, अंतोगत्वा उसको पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी के जाकर के उसे आत्मदाह करना पड़ा। ये दुर्भाग्य है देश का कि बेटी को और बहन को न्याय नहीं दिला पा रहा है शासन प्रशासन। और तब जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती हो कि सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की कि बेटियों को न्याय देंगे, हम उनसे जानना चाहते हैं कि एक बेटी ने, एक परिवार ने, उसने इतनी दरखास्तें लिखी हैं, कोई जगह नहीं छूटी जहां पर उसने ये ना कहा हो कि मुझे न्याय मिल जाए। पुलिस के जो छोटे अधिकारी रहे होंगे उन तक ले गई अपनी बात, बड़े अधिकारी उन तक बात गई और दरखास्त तो यहाँ ये भी है कि मुख्यमंत्री तक भेजी गई। बताओ मुख्यमंत्री तक अगर बात पहुँचे और उसे न्याय नहीं मिले धक्का मत भैया, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। और जब मैं उन्नाव आ रहा था इस बेटी के परिवार से मिलने, तभी अखबारों में पढ़ा कि एक बनारस में भी बेटी को न्याय नहीं मिला, उसे भी आत्मदाह करना पड़ा, वो भी अस्पताल में है। ये लगातार इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं और सरकार भेदभाव कर रही है। सरकार जो चला रहे हैं भाई धक्का मत दो, वो अन्याय देख रहे हैं, अन्याय। अभी तक तो हम ये कहते थे कि जात देख करके इलाज होता है, जात देख करके FIR दर्ज होती है। पता नहीं पुलिस को क्या हो गया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, और क्यों ना हो जाए ये। आप मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिए विधानसभा में क्या कहते हैं, विधानसभा में कहते हैं ठोक दो भाई, बदला ले लीजिए। इनकी सरकार में किसी को न्याय नहीं मिलेगा। ये परिवार को हमने भरोसा दिलाया है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं उनके साथ हैं, उनके इस दुख दर्द में हम साथ खड़े हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए लगातार हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। आपकी पार्टी के द्वारा कोई पीड़िता के घर के परिजनों को कोई आर्थिक सहायता या समाजवादी पार्टी ने इस परिवार को भी और जो पिछली बार घटना हुई थी उस परिवार को भी 5-5 लाख की मदद की है समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से। ये सरकार कभी दुष्कर्म के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की कोशिश कर रही है, प्रशासन को बचाने की कोशिश कर रही है। ये सरकार जो अन्याय कर रहे हैं उनके साथ खड़ी है। अगले जी भाई मुस्लिमों को एक सबसे बड़ी बात है कि पीड़िता कई बार चक्कर लगाती रही, अगर समय रहते अगर उसका FIR दर्ज हो जाती या उस पर कोई कार्रवाई हो जाती तो शायद आज पीड़िता की जान न जाती। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई जगह नहीं छोड़ी होगी जहाँ वो गई नहीं होगी, हर जगह गई, थाने से लेकर के सबसे बड़े अधिकारी जब तक कि मुख्यमंत्री तक को लिखी गई है। और हम तो आपको जानकारी दे दें कि कई लोग मुख्यमंत्री जी को दे करके आए दरखास्त कि हमारी जान माल को बचा लो, उनकी हत्या हो गई। प्रतापगढ़ का परिवार मिलने गया था लेकिन जब वापस लौटा उसकी हत्या कर दी गई। क्या ये सरकार किसको न्याय दिला रही है? सर इस सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए। अखिलेश जी वो यहाँ पे जो पत्रकार का हत्या हुई थी नवई में, इसमें द्वार बनाने के लिए कहा था सुनील साजन जी ने, आज तक नहीं वो मेरी जानकारी में नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ बयान इसका भी कानून आएगा और सबको मानना पड़ेगा। पहले तो आप सुधार कर लीजिए अपने अंदर, साक्षी महाराज नहीं है, महाराज नहीं हो सकते। महाराज नहीं हो सकते हैं। और ये मत समझना कि अगर उस तरह के वस्त्र पहन लें तो सम्मान मिल जाएगा। ये कई बार ऐसे लोग धोखा देने के लिए
इस तरह के वस्त्र पहन करके समाज में निकलते हैं। और ऐसा एक जगह नहीं है, न जाने कितनी जगह है। क्या आप एक मुख्यमंत्री जो योगी अपने आप को मैंने कई बार बताया आप योगी को माना जाता है जो क्या ये सरकार मुख्यमंत्री दूसरे का दुख अपना दुख समझ रहे हैं घरों में क्या बताइए मार दिए गए लोग उत्तर प्रदेश में बताओ नहीं मारे गए लोग अभी सीए को लेकर जो प्रदेश में हिंसा हुई उस पे एनआरसी और सीए को लेकर के एनआरसी लगा रही है भाजपा सरकार एनआरसी और सीए का विरोध केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है देश के हर कोने में है दुनिया में जहां भारतीय लोग रह रहे हैं वो खिलाफ हैं और मैं आपको बता दूं जो भी भारतीय होगा वो एनआरसी और सीए की खिलाफत करेगा आप बताइए कितने गाँव में लोग रहने वाले हैं जिनके घर के कागज होंगे इसी गाँव में आप पता कर लीजिए जिन्होंने अपने घर बनाए होंगे क्या उनके पास कागज होंगे उनके घर के क्या जमीन के कागज होंगे उनके पास याद कीजिए नोटबंदी के समय क्या भरोसा दिलाया था देश को यही तो भरोसा दिलाया था कि नोट बंद हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा काला धन वापस आ जाएगा क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा पुलिस का भ्रष्टाचार नहीं होता तो इस बेटी को न्याय मिल जाता आपको क्या लग रहा है उन्नाव में ही लगातार जब नोटबंदी में झूठ बोला हो जिन्होंने जीएसटी में झूठ बोला हो जिन्होंने क्या वो एनआरसी और सीए पे झूठ नहीं बोल रहे जितने लोगों की जान गई है सब पुलिस की गोली से गए हैं अखिलेश जी मोदी पुलिस की गोली से जान गई है अगर वो परिवार के लोग एफआईआर लिखाना चाहें तो एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है परिवार के लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल रही है क्या सरकार से उम्मीद करेंगे आप मोदी जी ने एक नया नारा दिया है विविधता में एकता भारत की व्यवस्था इनसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है आप हमें बताइए नोटबंदी पे क्या भरोसा दिलाया था उन्होंने आप नोटबंदी बात भूल गए आप लाइन में लग करके लोगों की जान चली गई एक बैंक में पैदा हुआ खजांची नाम रख दिया लोगों ने उसका क्या वो झूठ याद नहीं है आपको फिर एक बार सबको लाइन में लगाना चाहते हैं ये लोग पहले अपने रुपए के लिए और अब अपनी पहचान के लिए ये धोखा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए किसी के धान की कीमत मिली किसी के आलू की कीमत मिली किसी को नौकरी और रोजगार की उम्मीद है क्या क्या महंगाई है बढ़ी कि नहीं बढ़ी तो जब इन चीज़ों से ध्यान हटाना है इसलिए एनआरसी और सीए नहीं ला रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं जानता एनआरसी और सीए हम उनसे कहते हैं आप कितना जानते हो एनआरसी और सीए के बारे में आप भी तो नहीं जानते हो इसलिए इनके धोखे से बचिए ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं और जितने भी भारत के भारतीय धर्म का नहीं है ये सवाल ये है इसके खिलाफ हैं देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं एनआरसी पे तो हमने चर्चा ही नहीं की कोई अभी तक आज के जमाने में कोई झूठ नहीं बोल सकता है आप गूगल कर करके पुराना इतिहास उठा लीजिए क्या भाषा इस्तेमाल हुई है आज हम भी कुछ कहना चाहेंगे आप गूगल करके निकाल लेंगे आर्काइव में वो चीजें पड़ी हैं कि क्या आपने एनआरसी के लिए कहा है ये कहा कि डिटेंशन कैंप बने हैं और लोग उसमें जान गई हैं उनमें सर झारखंड में जो नतीजे आए लगता है कि सरकार की इन्हीं नीतियों का विरोध है सरकार नाकाम हो चुकी है सरकार जमीनी हकीकत से दूर है जनता क्या चाहती है वो सरकार नहीं जानती है सरकार एनआरसी पे चुनाव लड़ना चाहती है और जनता अपनी महंगाई पे चुनाव लड़ना चाहती है जनता रोजगार चाहती है उपद्रवियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है संपत्ति जब्त करने के उस पर पहले तो 2007 में जो उपद्रवियों ने नुकसान किया था गोरखपुर में सबसे पहले उनसे वसूली हो और आप जानते होंगे कि मुख्यमंत्री पे खुद धाराएं थी क्या कभी कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री बना हो जिसने अपनी ऊपर मुकदमे वापस लिए हों आप पता करिए कि किस बात के मुकदमे थे उनके ऊपर केवल निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है हम तो कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं आप जिनकी जान की एफ आई आर क्यों नहीं दर्ज हो रही है क्या कानून अलग होगा उनके लिए और जितने भारतीय लोग हैं
वो इस कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ये जानबूझ के कर रही है। सर आखिरी सवाल पूछेंगे, अभी आपने परिजनों से मुलाकात की और आपकी तरफ से क्या? वो न्याय चाहता है परिवार, कि उन्होंने बेटी तो खो दी है लेकिन परिवार को न्याय मिले और सरकार उनकी मदद करे। परिवार लिखा हुआ है इसमें, अगर आप समय हो तो इनमें सब में पढ़ लीजिए, सजा मिल गई है, वो आरोपी जेल में है। असली जिम्मेदार तो पुलिस ही है, पता नहीं पुलिस को क्या हो गया, हमने तो अच्छा बनाया था पुलिस को, खराब कौन कर रहा है? सरकार पुलिस है, उनपे क्या कार्रवाई हो रही है? पश्चिम बंगाल में कहाँ के लोग गए थे कपड़े बदल करके? अगर पश्चिम बंगाल के लोग आए थे तो क्या कर रहे थे? और पश्चिम बंगाल सूचना आ रही है कि कुछ लोगों ने कपड़े बदल करके आग लगाई। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी सच को मार देगी, इसलिए आप भी सावधान रहिए, आप समय समय पर सहयोग करते हैं लेकिन आपके मालिक लोग खिलाफ हैं। अखिलेश जी, इस परिवार को आपकी तरफ से क्या मिलेगा? समाजवादी पार्टी ने 5 लाख की मदद दी है। पी की सरकार में लोक भवन को बनाया गया था, अटल जी की प्रतिमा लगाई गई है, प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए वो दूसरों का काम दिखाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का काम प्रधानमंत्री जी को दिखा रही है, ठीक है, ठीक है। और हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री जी समाजवादियों का काम देखने आ रहे हैं। धन्यवाद। निकल जाने दीजिए, आप लोगों को चलो आराम से।